पैसे कमाते हैं, सरकार उस पर टैक्स काटती है, लेकिन साथ में आपको टैक्स बचाने का भी रास्ता देती है, और यही है सेक्शन 80C। इससे जुड़ी 5 बातें समझ लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपना टैक्स बचा सकें। तो क्या है 80C? 80C वो सेक्शन है जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कीजिए या कुछ ऐसे स्पेसिफिक खर्चे कीजिए और अपने टैक्सेबल इनकम से इस 1.5 लाख को आप घटा दीजिए। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो केवल 8.5 लाख रुपए पर ही आपको टैक्स देना होगा। अब कैसे मिलती है 80C की छूट? 80C के तहत कुछ निवेश और कुछ खर्चे यानी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर पर आपको ये छूट मिलेगी। निवेश जैसे कि EPF, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, और खर्च जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दें, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी टैक्स सेविंग स्कीम्स, होम लोन के प्रिंसिपल का पेमेंट, NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन। एक वित्त वर्ष में आप जब इस तरह के खर्चे करेंगे तो 80C की छूट आप ले पाएंगे। लिमिट 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 80C आपके टैक्स पर किस तरह से असर डालता है। अगर आपकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए, आप 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करते हैं 8.5 लाख रुपए, और इस पर 50,000 का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 8 लाख पर लगेगा टैक्स। 72,500 रुपए प्लस 4% सेस यानी 75,400 रुपए का कुल टैक्स। अब अगर आप इसमें 80C नहीं क्लेम करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 का लें, तो 9.5 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम हो जाएगी और इस पर टैक्स होगा 1,10,864 रुपए। इस टैक्स छूट को पाने के लिए 31 मार्च तक यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपको निवेश करना जरूरी है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो ये काम आपको जनवरी के पहले हफ्ते तक कर लेना होगा, क्योंकि कंपनियां हर साल जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने को कहती हैं, और इसकी वजह है कि वित्त वर्ष के बाकी 3 महीने TDS काटने का ऑप्शन खुला रहता है। इन इन्वेस्टमेंट के प्रूफ आपके पास होना जरूरी है, हालांकि इन्हें आपको कहीं सबमिट नहीं करना है, इसे बस आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, और इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ये कोई प्रूफ आपको दिखाना नहीं होता, कोई पेपर सबमिट नहीं करना होता, लेकिन जरूरी है कि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आप 80C का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो।